हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों, आज बनाएंगे हम ढाबा स्टाइल चाउमीन। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी काट रखा है और शिमला मिर्च काट रखा है और यहाँ पे प्याज की कटिंग चल रही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, और ये हमारा प्याज भी पूरा कट गया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, चाउमीन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने यहाँ पर कढ़ाई ली है। तो चलो दोस्तों, अब गैस को हम ऑन करते हैं। ये हमने जलाई तिल्ली और हमारी गैस ऑन हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम तेल और ये कढ़ाई में तेल डाला और इसको अच्छे से गर्म कर देंगे। और कढ़ाई आप देख सकते हैं, पहले से ही हमारी सेट है, इसमें कई बार चाउमीन बन रखी है। तो हमने इसमें डाला अब मिक्स वेजिटेबल्स, आप देख सकते हैं, और इसको अच्छे से और टॉस करेंगे, अच्छे से भून देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, वेजिटेबल हमारा तैयार हो गया। अब इसमें डालेंगे हम नूडल्स यानी चाउमीन, और ये डाली हमने इसमें चाउमीन। अब दोस्तों, इसमें हम सॉसेस ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने डाला इसमें नमक स्वाद अनुसार और MSG यानी कि अजिनोमोटो, थोड़ा इसको भी डाल देंगे हम, डार्क सोया सॉस, और ये लिया हमने टमाटो केचप, और ये हमने इसमें डाली और मोमोज की चटनी, स्पाइसी चटनी, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मोमोज की जो चटनी है हमारी, उसमें हमारा विनेगर भी रहता है, स्पाइसी रहता है, टमाटो रहता है, तो वो बढ़िया मोमोज की चटनी अब बना रखी है। तो ये भी हमने इसमें ऐड किया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी हमारा चाउमीन का कलर कितना बढ़िया लग रहा है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।